हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा मार्वल डीसी हॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट के बारे में, बात करूंगा स्टार वॉर से रिलेटेड अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करूंगा अवतार 2 से रिलेटेड अपडेट के बारे में, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, क्योंकि अपडेट गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो सोचा मैंने कि इस वीडियो में तो इसे इंक्लूडिंग कर ही जाए, और देन ये अपडेट कुछ वीकली अपडेट है जो कि मैं पिछली वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो आज करना कवर जरूरी है, क्योंकि आपको पूरा अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और देन मेरी जिम्मेदारी बनती है। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और देन कोई अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले। बहुत जरूरत है मोटिवेशन की। डू इट। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहला अपडेट है अवतार 2 से रिलेटेड, जो कि हॉलीवुड की अपकमिंग 2021 की, जो कि 18 दिसंबर को रिलीज होगी, सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है, ब्लॉकबस्टर जाने वाली है और सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी में इसका नाम शामिल होगा। ये अवतार की स्टार वॉर्स, एवेंजर्स एंड गेम, फास्ट एंड फ्यूरियस तक का रिकॉर्ड तोड़ देगी, और देन सभी जानते हैं कि ये मूवी करीब 2500 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर कैसे जाएगी, ये मैं पहले एडवांस में क्यों बोल रहा हूँ, तो ये ऑफिशियली मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियली अपडेट दिया है अवतार 2 के एक्टर्स ने। जब उनकी शूटिंग फिनिश हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उन्होंने अपना बताया एक्सपीरियंस कि भाई जेम्स के साथ जब से हमने ये मूवी की शूटिंग करी है, तो यकीन मानिए ऑडियंस इस मूवी को देखने के बाद बस मुंह से निकलेगा वाओ कि क्या मूवी बनाई है जेम्स ने, और 2021 की ये सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी जाने वाली है। अब अपडेट ये नहीं है, अपडेट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि अवतार 2 में आपको करीब आधे घंटे का क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर अंडर वाटर होने वाला है। काफी टाइम से काफी सारी बिहाइंड द सीन नजर आ रही है, जिसमें कि पेंडोरा जो उनका प्लैनेट है, वहां पर हमें लड़ाई देखने को मिलेगी आधे घंटे की अंडर वाटर। और सबसे बड़ा अपडेट जो इसमें हमें पता चला है कि अवतार 2 के जो ऑफिशियल VFX आर्टिस्ट हैं और जो उनके क्रिएटर्स हैं, उन्होंने इस मूवी की डील को साइन करने से पहले 3 साल तक रिसर्च करी थी कि जो जेम्स, जो इसके डायरेक्टर हैं, जो चाह रहे हैं वो क्या हो पाएगा कि नहीं इस मूवी में, तो उन्होंने इसी चीज़ के लिए रिसर्च करी थी। और जब उन्होंने फाइनली रिसर्च कर दी, तो उन्होंने इस मूवी को साइन कर लिया, और आने वाले सीक्वल जो कि अवतार की फ्यूचर मूवी है, अवतार 3, 4, 5, उनको भी उन्होंने साइन कर लिया। अब उन्होंने रिसर्च किस चीज पे करी, तो उन्होंने रिसर्च करी पानी के ऊपर। जी हाँ, जेम्स चाहते हैं कि उन्हें उनकी अपकमिंग मूवी अवतार में एक ऐसा VFX देखने को मिले कि लोग रियल वाटर में और फेक वाटर में, जो कि कंप्यूटराइज्ड CGI VFX द्वारा बनाया जाएगा, उसमें फर्क ना कर पाए, लोग उसी को ही असली समझे, ना कि रियल वाटर को। तो जो हमें दिखने वाला है अवतार में आधे घंटे के क्लाइमेक्स में फुली अंडर वाटर सीन, वो आपको किसी भी मूवी में नहीं देखने को मिलेगा, और इसलिए मेकर्स ने और उनके एक्टर्स ने जब शूटिंग ऑलमोस्ट वो खत्म कर चुके हैं, तो तभी उन्होंने कहा था कि ये मूवी ऑडियंस को सरप्राइज कर देगी और अवतार आने वाले टाइम में विश्व में सबसे बड़ी मूवी होगी, यानी कि ये एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ेगी और 2500 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी। तो गाइस, ये था वो अवतार का बेहतरीन अपडेट, और देन आप देख रहे हो कि कितनी सारी इमेजेस आजकल सामने आ रही हैं हमारे, तो मैं तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अवतार के लिए। 18 दिसंबर को 2021 को ये रिलीज़ हो रही है, तो देखना ज़रूर, और देन सही टाइम पे रिलीज़ हो रही है, शायद जब तक कोरोना का कहर कम हो जाए और इंडिया में थिएटर्स ओपन हो जाए। उसी के साथ अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है बहुत ही कमाल का मार्वल से रिलेटेड। तो टॉम क्रूज एज अ आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं अपकमिंग डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। जी हाँ, अब डॉक्टर स्ट्रेंज का आपको टाइटल तो पता होगा, मल्टीवर्स मैडनेस। इसमें हमें टाइम ट्रेवलिंग देखने को मिलेगी, और तो और इसमें हमें ऑल्टरनेट कह सकते हो डायमेंशन देखने को मिलेंगे। अब रूमर्स ये है कि मार्वल स्टूडियो कंसिडर कर रहा है टॉम क्रूज को आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दूसरे टाइमलाइन में एक मल्टीवर्स डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज की अपकमिंग मूवी में वो आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करें। ये एक रूमर चल रहा है, अगर ये बात सच हो जाती है तो टॉम क्रूज हमें एज आयरन मैन के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे अपकमिंग डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। और रुको, यहीं पर रुको भाई, आपको 6 साल पुराना एक अपडेट बताता हूँ, जिसमें कि टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू में बोला, मुझे चाहे कभी कितना भी पैसा मिले पर मैं कभी भी सुपर हीरो मूवी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सुपर हीरो कैरेक्टर पसंद नहीं है। ये टॉम वाई ने एक कह सकते हो इंटरव्यू में बोला था, काफी टाइम पुराना इंटरव्यू, 6-7 साल पुराना, ठीक है। पर टॉम वाई ये भूल गए हैं कि 2019 की एवेंजर्स एंड गेम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमाई जाने वाली मूवी है और वो एक सुपर हीरो मूवी है। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, और चाहे वो अभी भी फैसला ले सकते हैं
इस मूवी को करने के लिए। अगर वो आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो पब्लिक उन्हें पसंद करेगी, जहां तक मुझे लगता है पर्सनली। और डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसमें सैमी रेमी जैसे जो कि स्पाइडरमैन के डायरेक्टर हैं, और हमारे बेनेडिक्ट कंबरबैच भी है उसमें, और टॉम क्रूज भी होंगे, तो गाइस बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यूनिवर्स सर्च और टॉम क्रूज एज आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करें, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि है सोनी से रिलेटिव। तो ओलिविया ऑफिशियली इस मूवी को डायरेक्ट कर रही है, जिसका नाम है स्पाइडर वूमैन। स्पाइडर वूमैन जब से अनाउंस हुई है तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और देन काफी सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं। और देन इसमें केविन फाइगी ने बीच में एक इंटरव्यू के दौरान बोला, स्पाइडर वूमैन एज अ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होगा, और केविन फाइगी ने यह खुद बोला एक इंटरव्यू में। तो अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है और सोनी और मार्वल के बीच में स्पाइडर वूमैन की डील होती है, तो गाइस इन फ्यूचर स्पाइडरमैन 3 में हमें स्पाइडर वूमैन का कैमियो देखने को मिल सकता है, और देन पूरा मल्टीवर्स भी कनेक्ट देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और स्पाइडर वूमैन वैसे तो सोनी अंडर बन रही है, ओलिविया ऑफिशियली डायरेक्ट कर रही है स्पाइडर वूमैन को, और देन अगर केविन फाइगी अगर कोशिश करते हैं तो ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होगी। उसके साथ अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक है बैड न्यूज। ब्लैक विडो, शैंगची और इंटरनल्स की ऑफिशियली जो रिलीजिंग डेट है वो डिले हो चुकी है। सभी जानते हैं कि इस साल मार्वल की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, और जैसा कि मैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि ब्लैक विडो की जो ऑफिशियली रिलीजिंग डेट तय हुई है वो हुई है 7 मई 2021, और इंटरनल्स की तय हुई है 9 मई 2021, और शैंगची की हुई है 8 जुलाई 2021। अब यहाँ पर आपको स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगी, जो कि दिसंबर के महीने में रिलीज होगी 2021 में, यानी कि आपको 2021 में 4 मूवी मार्वल की देखने को मिलेगी। अब इंडियन ऑडियंस काफी ज्यादा नाराज है कि भाई ये क्या हुआ, इस साल तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल एकदम सही लिया है, क्योंकि मूवी रिलीज कर देते इंडिया में मूवी लगती नहीं ब्लैक विडो, क्योंकि इंडिया में थिएटर ओपन अभी तक नहीं हुए हैं, और देन ऐसे मूवी रिलीज करने का कोई फायदा नहीं कि यूएस में रिलीज हो जाए फिर वीडियो मूवी पूरी लीक होकर हमारे पास आए, लिंक के द्वारा हम उसे डाउनलोड करके देखें। मूवी का असली मजा देखने का है मार्वल का थिएटर में। तो जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, और देन मैं तो चाहता हूँ कि 7 मई को रिलीज हो रही है, इंडिया में सारे थिएटर ओपन हो जाए, कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए, और तब पूरी भरी ऑडियंस के साथ मार्वल फैंस के साथ हल्ला मचाकर थिएटर तोड़कर और ये मूवी देखेंगे, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर 7 मई को ब्लैक विडो रिलीज हो रही है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम और वेट कर लेंगे। पर वांडा विजन हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है, ये मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रहा है, और देन मैं गाली नहीं दे सकता, बस समझ लो इतना मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के बारे में, जो कि है एंटमैन 3 से रिलेटिव। तो एंटमैन 3 का ऑफिशियली विलेन कंफर्म हो चुका है। आपने एचबीओ मैक्स की एक टीवी सीरीज देखी होगी लवक्राफ्ट, जिसमें कि जोनाथन का मेन कैरेक्टर था, और देन उस टीवी सीरीज को देख के तो लगता है कि हाँ ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको देखनी चाहिए। पर अपडेट ये है कि जोनाथन ऑफिशियली कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कैंग का एंटमैन 3 में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेन है, और ये थैनोस को आराम से इजिली रिप्लेसमेंट कर सकता है। कैंग एक टाइम ट्रेवल विलेन है, और देन काफी लोगों का इंडियन ऑडियंस का मानना यह है कि कैंग एंटमैन 3 में इसलिए आ रहा है जब से थैनोस और टोनी ने स्नैप कराया। फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। और टाइम ट्रेवलिंग करी है, तो कैंग इसलिए एंटमैन 3 में विलेन बनना है। तो शायद अगर ऐसा हुआ तो हमें शायद फ्यूचर के बैक के कुछ सीन देखने को मिल सकते हैं एंटमैन 3 में, और कुछ बैक स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी होगा मजा आएगा, पर कैंग ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, और एक वीकली अपडेट था जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि इसमें वो कवर कर लिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो Hulu स्ट्रीमिंग सर्विस आप सभी को पता होगा आ रही है, और देन मार्वल और Hulu के बीच में एक डील हुई थी जिसमें कि उन्होंने मोडोक के राइट्स खरीदे थे। तो Hulu ने मोडोक का ऑफिशियली लोगो रिलीज कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, आप देख सकते हो, और देन ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया है। और ये एक एनिमेशन सेट टीवी सीरीज होने वाली है, और इसका जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, और ये भी देखने लायक होगी क्योंकि पहली बार मोडोक पे एक टीवी सीरीज बन रही है सोलो, तो ये देखने लायक होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं टीवी सीरीज के अपडेट के बारे में। तो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर इस साल रिलीज नहीं हो रही है, 2021 में कन्फर्म हो चुकी है, और देन इस बार भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है, क्योंकि ये सबसे पहले टीवी सीरीज हमें दिखने वाली थी मार्वल की, पर वांडा विजन ने बाजी मार ली, पर वो भी हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है, तो मैंडोलिन की तरह मैं इसे भी स्किप कर दूंगा, पर मार्वल की खातिर तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, लोकी की शूटिंग रिज्यूम हो गई है, ठीक है, शूटअप पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ये हमें ऑफिशियल उनके एक्टर ने क्लियर करा। अब बात करते हैं डीसी के धमाकेदार अपडेट के बारे में।
तो हेनरी केविल जो कि सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में वंडर वॉर्स के साथ 3 मूवी डील करी है, जिसमें कि पर्सनली मुझे लगता है जहां तक कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, ब्लैक एडम, शज़ाम 2 में उनका एक कैमियो हो सकता है और मैन ऑफ स्टील 2 हो सकती है। तो ये 3 डील करी है मूवी, और देन आपके हिसाब से हेनरी केविल कौन सा मूवी कर सकते हैं वंडर वॉर्स के साथ, जस्टिस लीग 2 भी हो सकती है या और कौन कौन सी मूवी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी लिस्ट पर्सनल जरूर बताना। मुझे तो 3 मूवी जो लगती है मैंने बता दी। और नेक्स्ट अपडेट है बहुत ही कमाल का जोकर से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा कि वार्नर वॉर्स कंपनी जोकर 2 और जोकर 3 बना रहा है और वॉकिन फिनिक्स को इसके लिए 50 मिलियन का बजट दिया है। जी हाँ, जोकर 2 और 3 के लिए। अब ये रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, पर जैसी कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। पर अगर ये रूमर सच निकला तो वार्नर वॉर्स फ्यूचर में हमें जोकर 2 और 3 भी देखने को मिलेगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये कौन से यूनिवर्स का पार्ट है, जिससे कि ये जल्दी से क्लियर हो जाए। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि रॉबर्ट पैटिंसन की जो मूवी आ रही है बैटमैन, ये उससे 100% कनेक्टेड होगी, जहाँ तक ये मुझे पर्सनल लगता है। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर जेम्स गन, जो कि सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर है, उन्होंने एक टीवी सीरीज अनाउंस करी है जो कि सुसाइड स्क्वाड का स्पिन ऑफ है। जी हाँ, फेस मेकअप, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जॉन सीना, उनके ऊपर एक टीवी सीरीज बन रही है और ये एचबीओ मैक्स पर रिलीज होगी, जो कि जेम्स गन ने खुद ही कंफर्म करी है। उसके साथ आप बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि जस्टिस लीग से रिलेटेड जैक स्नाइडर की। तो अक्टूबर से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, और आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि अक्टूबर से जो शूटिंग स्टार्ट होगी जस्टिस लीग की, उसमें सारे कैरेक्टर रिटर्न हो रहे हैं। सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, ग्रीन लैंटर, साइबॉर्ग और हमारे एक्वामैन, और भी ढेर सारे कैरेक्टर जिसमें कि सुपरगर्ल भी शामिल हैं। तो गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और दिसंबर के महीने में 2021 में ये मूवी रिलीज होने वाली है जस्टिस लीग की जैक स्नाइडर, जिसमें कि ये सारे कैरेक्टर होंगे, और अक्टूबर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट हिंदी का अपडेट नहीं आ रहा है, बस यही तो दिक्कत है। अगर ये जैसी हिंदी में कंफर्म हो जाती है वांडा विजन, जस्टिस लीग, जैक स्नाइडर और भी अपकमिंग जो फ्यूचर की मूवी, तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। 2021 में मार्वल की 4 मूवी, फिर मार्वल और डीसी के ढेर सारे कंटेंट, तो गाइस बहुत ज्यादा। उसी के साथ आप बात करते हैं स्टार वॉर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो ओबी वैन जो टीवी सीरीज आ रही है, वो 2 मल्टीपल डायमेंशन की होगी, टाइमलाइन की होगी, जिसमें कि सबसे पहले स्टार वॉर्स एपिसोड 3 के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी और स्टार वॉर्स एपिसोड 4 से पहले की, यानी कि हमें 2 ओबी वैन देखने को मिलेंगे, एक यंग वर्जन, ओल्ड वर्जन। और उसी के साथ आपको बता दूं कि सीजन 1 ही बनाया जाएगा, सीजन 2 और 3 नहीं आएगा ओबी वैन का, और सीजन 1 में हमें सिर्फ 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे, वो भी एक एक घंटे के, जो कि 2 टाइम के होंगे, यंग एंड ओल्ड। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हो कन्फ्यूजन हो सकता है, पर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ओबी वैन के लिए, और नेक्स्ट मंथ से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, और जो भी अगर इसकी सेट फोटेज से रिलेटेड अपडेट आएंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं स्टार वॉर्स के अगले अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का है। आप सभी ने देखा होगा मैंडलोरियन सीजन स्टार वॉर्स का, जिसका सीजन 2 इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने वाला है, और अपडेट ये है कि इसका सीजन 4, जी हाँ, कन्फर्म हो चुका है, वो भी कन्फर्म करा है इनके ऑफिशियली एक्टर जियान कार्लो ने, जो कि इस टीवी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और देन उन्होंने सीजन 4 पहले ही कंफर्म कर दिया। मैं तो सीजन 3 तक सोच रहा था, पर उन्होंने सीजन 4 तक कंफर्म कर दिया। तो गाइस, स्टार वॉर्स यूनिवर्स आगे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, और देन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक स्टार वॉर्स यूनिवर्स नहीं देखा है तो जाके देखो। अगर आपको टाइमलाइन के हिसाब से देखनी है तो आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जाके देखिएगा। तो गाइस, ये थे वो आज काफी कमाल के अपडेट मार्वल डीसी हॉलीवुड से रिलेटेड। और आपको जो भी अपडेट पसंद आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और देन हेनरी केविल कौन सी 3 मूवी कर सकते हैं उनकी लिस्ट जरूर बताना। उसी के साथ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।